क्लास 12th केमिस्ट्री पी ब्लॉक के तत्व हमारा चैप्टर चल रहा था। तो अगर आप पी ब्लॉक के तत्व का पिछला वाला वीडियो अभी तक नहीं देखे हो तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हो। अगर आप पी ब्लॉक के एक भी वीडियो को मिस कर दिए हो तो प्लेलिस्ट में जा कर के तुरंत देख लीजिए। पी ब्लॉक के तत्व जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा 2019 के लिए। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले नए मेहमानों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी नए मेहमान आए हैं वीडियो पे, वो तुरंत हमारे चैनल को साइड वाले बटन से सब्सक्राइब करें, रेड कलर का बटन होगा, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को आपके फ़ोन में मिल सके। तो दोस्तों, पी ब्लॉक के तत्व चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को कहीं भी छोड़कर मत जाइएगा। और अगर आप इनका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इनका पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दे रखा है, आप तुरंत जाकर के इनका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शुद्ध ओजोन किस प्रकार प्राप्त करते हैं? SnCl2, FeSO4 और Kl के साथ इसकी अभिक्रियाएँ लिखिए। 2009, 2011, 2014 में पूछा गया था। या ओजोन बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए, प्रयुक्त उपकरण का नामांकित रेखाचित्र दीजिए तथा इसके दो आक्सीकारक गुण दीजिए, समीकरण भी लिखिए। नेक्स्ट, या ब्रॉडी के ओजोनाइजर द्वारा ओजोन बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, इसके दो मुख्य उपयोग भी लिखिए। 2013 और 2011 एंड 2018 में पूछा गया था। या ब्राडी ओजोनाइजर का नामांकित चित्र बनाइए। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि 2000 परीक्षा में बार बार रिपीट हुआ है प्रश्न हर एक सेट में, तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को एकदम रट लीजिएगा। तो हम चलिए शुरू करते हैं इसका आंसर। प्रयोगशाला में ओजोन ऑक्सीजन या कि के नीरव विद्युत विसर्जन विधि द्वारा प्राप्त की जाती है। सो 3O2 एरो लगा करके देन 2O3 देन ये वाष्पीकृत हो रही है, ठीक है। तो नीरव विद्युत विसर्जन के लिए सीमेंस का ओजोनाइजर या ब्रॉडी का ओजोनाइजर प्रयोग किया जाता है। वैसे तो ब्रॉडी का ओजोनाइजर बहुत ही शुद्ध माना जाता है, तो आप प्लीज़ ब्रॉडी का ओजोनाइजर याद कीजिएगा, जो यानी कि मैंने यहाँ पे बता रखा है, ठीक है। ये ब्रॉडी का है ओजोनाइजर। यह एक यू आकार की नली होती है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो, ठीक है। यह एक यू आकार की नली होती है, ठीक है। ये नलियाँ हैं दोस्तों, ये नली है। एक तरफ से शुद्ध शुष्क ऑक्सीजन जा रही है और नीचे H2SO4 भरा हुआ है और भीतरी नली पड़ी हुई है, एंड एक तरफ से ऑक्सीजन युक्त निकल रहा है, ओजोन युक्त, और साथ ही साथ इसे प्रेरण कुंडली भी लगी हुई है, और इधर जो अंदर जा रहा है वो शुष्क शुद्ध ऑक्सीजन जा रहा है, और ये जो है हमारी प्लेटिनम के तार हैं। तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर आप बनाओगे, ठीक है, और स्ट्रक्चर का नाम ज़रूर लिख दोगे, ठीक है। तो ये पूरी भाषा जो है यहाँ पे पूरी आपको याद करके लिखनी होगी। तो ये यू आकार की एक संरचना होती है, अगर आप ये भाषा समझ लेते हो तो आप इसे अच्छे से बना बना करके भी लिख सकते हो दोस्तों, जिसका एक सिरा काफ़ी चौड़ा होता है। इसे सिरे में एक पतली परख नली को डालकर ऊपर वाले भाग को बंद कर दिया जाता है। परख नली में तनु H2SO4 भरा होता है और उसमें एक प्लेटिनम का तार लटका देते हैं। सारे उपकरण को तनु H2SO4 में रखते हैं। इस बर्तन में एक प्लेटिनम का तार लटका देते हैं। प्लेटिनम के दोनों इलेक्ट्रोडों को चित्रानुसार प्रेरण कुंडली से जोड़ देते हैं। नली में शुष्क ऑक्सीजन प्रवाहित करते हैं, जिससे 25% ओजोन प्राप्त होती है। इतनी भाषा आपको लिखनी है, देन इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालनी है। हेडिंग का नाम है ऑक्सीकारक गुण, ठीक है। तो नंबर एक, यह स्टेनस क्लोराइड को तनु HCl की उपस्थिति में स्टेनिक क्लोराइड में ऑक्सीकृत कर देती है। देन SnCl2 + 6HCl + O3 एरो लगा करके है 3SnCl4 + 3H2O। नेक्स्ट है हमारा, यह फेरस सल्फेट को तनु H2SO4 की उपस्थिति में प्रेरित सल्फेट में ऑक्सीकृत कर देती है, जैसे कि 2FeSO4O3 + H2SO4
एरो लगा करके है FeSO4 का होल ट्वाइस 3 प्लस H2SO प्लस O2। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा, थर्ड पॉइंट यहाँ पे KI के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो KI विलयन में प्रवाहित करने पर I2 ऑक्सीकृत होती है। I2 मतलब आयोडीन। ठीक है, तो 2KI प्लस H2O प्लस O3 एरो लगा करके देन 2KOH प्लस I2 यानी कि I2 वाष्पीकृत हो रही है, आयोडीन वाष्पीकृत यानी कि हवा में उड़ी जा रही है, प्लस O2 एरो लगा करके। देन अब हम इसके पूरे भाषा के उपयोग लिखेंगे। तो पहला उपयोग जो है इसका प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है, और जो दूसरा उपयोग है वो जीवाणुनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये ब्रॉडी का जो ओजोनाइजर है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो आप इसे एकदम अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। तो दोस्तों आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हो, इसका PDF मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो तुरंत जाइए इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों नीचे 2-3 और रिएक्शन दी गई होंगी, आप सभी PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको ब्रॉडी का शुद्ध यहाँ पे ओजोनाइजर बना करके दिखाया, और आपको बहुत ही अच्छे से समझ भी आया होगा, तो तुरंत इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है तो तुरंत इस वीडियो को शेयर करें अपने सभी दोस्तों से, और वीडियो को प्लीज़ अपने सभी दोस्तों से शेयर करने के बाद चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप सभी को आपके फ़ोन में मिल सके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।